सोलन के अस्पताल में दमकल विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आग लगने की स्थिति में सुरक्षा उपायों से अस्पताल कर्मियों को अवगत करवाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने स्वास्थ्य कर्मियों और जिला अस्पताल में मौजूद लोगों को आग बुझाने की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि इमारत की ऊपरी तल पर आग लग जाने पर घबराए नहीं, बल्कि बुझाने के विकल्प तलाशने चाहिए कि किस तरह आग बुझाई जा सकती है और दमकल कर्मचारियों के पहुंचने से पहले भवन और उसमें रह रहे लोगों को किस तरह से बचाया जा सकता है। इस मौके पर दमकल अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में अग्नि सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक संसाधनों को विकसित किया जा रहा है, जिसके चलते सभी कर्मचारियों तथा चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया है। मॉक ड्रिल के माध्यम से उनके ज्ञान व कौशल को बढ़ाने का प्रयास किया गया। जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आपदा को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन आपदा प्रबंधन से क्षति को कम किया जा सकता है। इस बारे में विस्तृत जानकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दी गई। हमारा जो आज प्रोग्राम हमारे रीजनल हॉस्पिटल सोलन में था, इसमें जो है सोलन के जो कर्मचारी है हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब या अन्य जो भी कर्मचारी है, उनको जो है फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के बारे में जो है जानकारी दी गई कि किस तरह से आग को बुझाने के लिए कौन किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है। ऑडियंस को तो हम यही बताना चाहेंगे कि अगर घर में या किसी तरह की आसपास में जो है आपके आग लगी है, सबसे पहले तो आप घबराए नहीं। यदि आग छोटी है तो आप इसको जो है स्थानीय लोगों की मदद से या पानी से जो है इस प्रकार की आग को बुझा सकते हैं। यदि आग जो है ज़्यादा रूप में फैल गई है तो आप जो है अग्निशमन कर्मचारियों को जो है 101 पे जो है कॉल करके जो है इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। और जैसे कि आजकल COVID-19 की वजह से जो है इस तरह की गैदरिंग नहीं की जा रही है, अदरवाइज़ हम स्कूलों में जाके और कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट या पब्लिक प्लेसेस पे भी इस तरह की मॉक ड्रिल जो है करते रहते हैं।